क्या चाहिए मैम साहब? तुम्हारा प्यार, ढेर सारा प्यार। बोलो, मुझे दोगे ना मैम साहब? लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं राजू, आज कुछ नहीं। अक्सर हमने देखा है कि हम किसी गरीब की मदद करने के बजाय उसे अपने घर पे काम के लिए रख लेते हैं, ताकि हमारा भी कुछ मदद हो जाए और उसकी भी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन क्या ऐसे अजनबी लोग अपने भरोसे पे कायम होते हैं? और हमने ये भी देखा है कि ऐसे ही लोग भरोसे का कत्ल भी कर देते हैं। तो आज का हमारा कहानी भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, मैं सोनू गिरी और स्वागत है आपको आज का इस खास एपिसोड अलर्ट बिहार में। राजू जो रोज़गार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर रुख करता है, और रोज़गार की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात संजय से होती है और संजय भी उसे अपने घर पे काम के लिए रख लेता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ भी भरोसे का कत्ल हो रहा है या कुछ और बात है? आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जी मैम साहब, हम राजू, इस घर का नया नौकर। उस साहब रखे आज से हमको, कहे कि मैम साहब है उधर पानी दे देने के लिए गिलास। ठीक है लो। साहब बुला रहे हैं मैम साहब, आपको अगर कोई काम होगा तो हमको बोलिएगा, हम आ जाएंगे। सुनो। जी मैम साहब। अगली बार से अगर आना रूम में तो दरवाजा पे आवाज लगा के आना, सीधा रूम में मत घुस जाना, ठीक है? जी मैम साहब, हमको माफ कर दीजिए मैम साहब। अरे माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझा रही थी। ये लड़का राजू, ओ राजू, साहब बुलाए उनको। देख लो राजू, घर के तुमको सारा काम करना है और ऑफिस भी आना है, वहां पर भी काम रहता है। ठीक है साहब, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे साहब। एक मिनट साहब जी। हाँ माँ प्रणाम। हाँ हम ठीक है माँ, चिंता नहीं करो। हाँ हम कहीं से बंदोबस्त करते हैं माँ। हाँ तुम इलाज शुरू करो माँ। हाँ ठीक है प्रणाम। क्या हुआ राजू? साहब गांव से माँ का फोन था, माँ का तबीयत ठीक नहीं है साहब। अगर 3 महीना का पैसा मिल जाता साहब तो माँ का इलाज करवा लेते। ऐसे ऐसे कैसे दे दे तुमको पैसा? आज ही तो तुम काम पे आए हो,
देख लो, अगर तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। नहीं साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए साहब, लेकिन हमको नौकरी से मत निकालिए साहब, नौकरी से नहीं निकालिए साहब। चलो ठीक है, रूम में से बैग लेके आओ, मुझे ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। जी साहब। मालकिन ना, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं। अच्छा राजू, एक बात बताओ। जी मालकिन। मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझसे क्या शर्माना, बताओ बात क्या है? क्या बताए मालकिन, गांव में माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से एक पैसा भी जुगाड़ नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे बस इतनी सी बात, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। एक मिनट, राजू। अरे ओ राजू। जी मैम साहब। कॉफी लाना। लीजिए मैम साहब, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। क्या बात है राजू, कॉफी तो बड़ी टेस्टी बना लेते हो। धन्यवाद मैम सर। कहाँ खो गए? जी जी कहीं नहीं मैम सर। अच्छा राजू सुनो ना, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे सर दबा दो तो। हाँ। अरे हाँ तुम, चलो दबा दो। कैसा लग रहा है मैम साहब? बहुत अच्छा लग रहा है राजू। जी तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। अच्छा राजू एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हाँ हम लोग तो भाई हो गए, आप माँ बाबूजी। और तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं मैम साहब, अभी तो हम कुंवारे हैं। अच्छा जी। राजू आज से हर रोज तुम मेरा ऐसे ही सर दबाओगे, ठीक है? जी मैम साहब। अच्छा अच्छा सुनो राजू, हो गया चलो अब आ गया। राजू तुम्हें याद है मैंने कहा था कि वक्त आने पे मैं मांग लूंगी तुमसे मुझे क्या चाहिए? क्या बताएं मालकिन, गांव में माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से एक पैसा भी जुगाड़ नहीं हुआ,
कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे बस इतनी सी बात, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। एक मिनट, ये लो, ये मेरे शादी के जेवर है, इसे बेचकर तुम अपनी माँ का इलाज करवा लो। नहीं मालकिन, ये हम नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? वैसे भी इन जेवर का अभी मुझे कुछ काम नहीं है, तो तुम इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लो। और हाँ, वैसे भी ये जेवर मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए होगा। लेकिन मैडम जी, मेरे पास देने के लिए कहाँ है? वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगी। फिलहाल के लिए तुम इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। क्या चाहिए मैम साहब? तुम्हारा प्यार, ढेर सारा प्यार। बोलो, मुझे दोगे ना मैम साहब? लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं राजू, आज कुछ नहीं। राजू तू कितना भोला है रे। आप भी बहुत अच्छी हैं मैम साहब। आप जब से मिली है ना मैम साहब, तब से मेरे जीवन में सिर्फ खुशहाली खुशहाली है। राजू तुम हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करोगे ना? जी मैम साहब। अब दो पौड़ी के नौकर के साथ ये सब, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा।